ओके बच्चों, बच्चों कल मैंने आपको तीन केसेस बताए थे एंगल ऑफ फेस को लेकर के, एक एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी और एक एक्सएल इक्वल टू एक्ससी एंड तीसरा केस। स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। ओके बेटा वन मिनट, बस वन मिनट। यशराज बेटा आप जो है एक मिनट। यस सर। हाँ तो एक जो है अपने पास में ये, हाँ स्क्रीन शेयर हो गई, क्लियर है? यस सर। हाँ जी बच्चों, तो कल मैंने आपको बताया था एंगल ऑफ फेज रिलेशनशिप पे तीन बातें, यहाँ पे टेन फाई इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर्क से मैंने तीन केसेस बताए थे, व्हेन एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, व्हेन एक्सएल लेस देन एक्ससी एंड व्हेन एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। सो एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी में इंडक्टिव डोमिनेटेड सर्किट बनता था, इंडक्टेंस डोमिनेटेड, एंगल ऑफ फेज पॉजिटिव जाता था, मतलब जो नेट वोल्टेज था वो करंट को फाई एंगल से लीड करता था। सेकेंड केस में जो नेट वोल्टेज था वो करंट को फाई एंगल से लैग करता था। और थर्ड केस है जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक ही साथ साथ चलेंगे, और वहाँ पर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता था और इस समय जो इम्पिडेंस आता था वो मिनिमम सेट होता था एंड दैट इज़ इक्वल्स टू आर। बोलो याद है बच्चों, इम्पिडेंस की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती थी? आर के इक्वल, और करंट मैक्सिमम होती थी इस समय। बोलिए याद आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। तो ये केसेस हमने कल देखे। देन इसके बाद मैंने आपको बताया कि रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस ड्यूरिंग एक्सएल इक्वल टू एक्ससी जो इम्पिडेंस आता है वो आर के इक्वल हो जाता है, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम वैल्यू करंट की उस समय आई नॉट मैक्स इक्वल्स टू हो जाती है टोटल अप्लाइड वोल्टेज अपॉन आर। ये समय मैक्सिमम करंट, एक ही करंट फ्लो होती है, उसको आई नॉट कह लो या आई मैक्स कह लो, क्योंकि सर्किट में फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट तो गायब हो जाते हैं, ओमेगा एल और ओमेगा सी, वन बाई ओमेगा सी एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्ससी होता है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल और एक्ससी की वैल्यू वन बाई ओमेगा सी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो जेड इक्वल टू आर बनता है। और इस समय कल मैंने आपको रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी निकलवाई, कितनी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कल हमारी निकली थी, ठीक ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी निकालना। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है, तो आप लिख भी सकते हैं एट रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन में एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, एक्सएल मतलब ओमेगा एल और एक्ससी मतलब वन अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा का ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन एल सी, तो ओमेगा इक्वल्स टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी, ओके, एंड ओमेगा इक्वल्स टू होता बच्चों टू पाई, एफ भी बोलती इसको जनता, जनता इसको टू पाई न्यू भी कहती है, तो चाहे टू पाई एफ लिख लो या टू पाई न्यू लिख लो, इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट एल सी। अब आप कहेंगे एफ कितना आएगा बेटा, तो रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, क्योंकि रेजोनेंस पर है तो इसलिए आर सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करें, एफ इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल सी, या न्यू रेजोनेटिंग इक्वल्स टू वन अपॉन टू पाई अंडर रूट एल सी, ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी मैंने दोबारा बता दी। बताइए कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो ये है अपनी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। चलिए अब हमारा आज का टॉपिक है रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है रेजोनेंट कर्व एंड क्यू फैक्टर, ठीक ना? क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर का पूरा नाम है क्वालिटी फैक्टर। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, बहुत लेस इंपॉर्टेंट हैं, बट कभी कभी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, तो रेजोनेंट कर्व और क्यू फैक्टर हम पढ़ेंगे। यस, तो रेजोनेंट कर्व के लिए सबसे पहले एक एक्सिस बना लीजिए, ये ओमेगा की एक्सिस है ना, बेहतर होगा मेरे साथ साथ बनाते जाओ। ये ओमेगा की एक्सिस है, जीरो फ्रिक्वेंसी से लेके ओमेगा फ्रिक्वेंसी तक वेरी हो रही है, और ये करंट है, करंट की वैल्यू सबसे ऊपर जो टॉप मोस्ट वैल्यू पर जाके हो जाएगी मैक्सिमम करंट। अब ये देखिए, ये है पहला रेजिस्टेंस आर वन, ठीक है ना, दूसरा रेजिस्टेंस आर टू, और तीसरा क्या आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री, और यहाँ पर आर वन सबसे कम रेजिस्टेंस है, आर वन सबसे कम रेजिस्टेंस, आर टू उससे ज़्यादा और आर थ्री सबसे ज़्यादा। अब आप देखिए क्या है, तीनों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, तीनों रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, फिर इन तीनों के पीक अलग अलग क्यों मिल रहे हैं, ये जानने की बात है कि इन तीनों के जो पीक हैं ये अलग अलग क्यों मिल रहे हैं। तो एक्चुअली बच्चों हमारे पास जो कर्व होता है, जो फॉर्मूला होता है, आई ज़ीरो इक्वल्स टू होता है ई बाई जेड, ई बाई जेड या ई बाई जेड की वैल्यू कितनी आई बच्चों, आर आई, जेड की वैल्यू कितनी आई, आर आई, ओके।
अगर आर ज़्यादा होगा, अगर आर ज़्यादा होगा, आर अगर ज़्यादा करोगे तो मैक्सिमम करंट क्या आएगी, कम आएगी, और अगर आर कम होगा तो मैक्सिमम करंट क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। देखिए तो यहाँ पर आर वन सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग सबसे ज़्यादा करंट इसकी बन रही है, मतलब ये जो रेजोनेंस है सबसे हाई करंट दे रहा है, मतलब इसका जो जेड आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, वो सबसे कम होगा। दूसरा रेजोनेंस आर टू पे मिल रहा है, मतलब आर टू का रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए करंट कम हो गई। तीसरा रेजिस्टेंस आर थ्री पे मिल रहा है, तो आर थ्री पे रेजिस्टेंस और ज़्यादा है तो करंट और कम हो गई। बताएं बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये हो गया, तो ये देखिए, ये इसमें आई मैक्स, तो जिस फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट मिली बेटा उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर, ये तो हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखिए, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के अलावा भी दो, ये क्या है, मैक्सिमम करंट है। अब मैक्सिमम करंट का 70% बताया था मैंने क्या होती है, IRMS, 70% यानी कि क्या होती है IRMS, 70%। और IRMS कितना हुआ करता है, पढ़ा चुके हैं कि IRMS जो होता है वो होता है पीक करंट का कितने भाग, रूट टू टाइम्स, लिखाया भी है मैंने, आप कॉपी में चेक करें कि IRMS इक्वल टू होता है पीक करंट का रूट टू टाइम्स। तो पीक करंट के रूट टू टाइम्स पर हमें दो वैल्यूज़ मिली, एक मिली ये और एक मिली ये, जी हाँ, एक मिली ये वैल्यू, एक मिली ये वैल्यू। अब इन दो वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग बच्चों आप जो हैं फ्रिक्वेंसी के ग्राफ पर पहुंच जाएं, तो यहाँ देखिए फ्रिक्वेंसी पर पहुँचें, तो एक है ओमेगा आर और ये है यहाँ, यहाँ का भी गैप बन गया फ्रिक्वेंसी का, यहाँ का, तो ये जो गैप दिख रहा ना बच्चों ओमेगा आर के आजू और बाजू, इसको बोलते हैं हम लोग बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं इसको, बैंडविड्थ। तो ये जो गैप है ये हमारा कहलाता है बैंडविड्थ, ओके, इस गैप को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, यस। तो ये गैप हमारा बैंडविड्थ कहलाता है। चलिए ये हमारा जो गैप बना इसको हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं, यस। ये देखिए गैप फिर से देखेंगे आप लोग, ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी के दो आजू बाजू जो हैं दो पोजीशंस बन रही हैं, एक ये है और एक ये है, दिस इज कॉल्ड, तो इसके बीच का जो गैप होता है ना ये बैंडविड्थ है। तो अगर मैं, अब इसको बड़े अच्छे से समझो बच्चों, ये बीच में है ओमेगा आर और यहाँ तक का जो छोटा सा गैप है इसको बोलते हैं डेल्टा ओमेगा, तो यहाँ तक का जो गैप है छोटा सा वो क्या है, डेल्टा ओमेगा। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा, और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा बेटा फ्रिक्वेंसी के मामले में, ये कहलाएगा ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा, क्योंकि ये है प्लस डेल्टा ओमेगा ज़्यादा और ये है माइनस डेल्टा ओमेगा कम, तो ये हो गया ज़्यादा, ये हो गया कम, ये है ज़्यादा, ये है कम। तो अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप निकालूं, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप निकालूं तो कितना गैप निकलेगा, देखो इधर भी डेल्टा ओमेगा, इधर भी डेल्टा ओमेगा, तो ये टोटल गैप निकलेगा टू डेल्टा ओमेगा। अब आप ही बताओ एग्री कि नॉट एग्री, इधर भी डेल्टा ओमेगा है, इधर भी डेल्टा ओमेगा है, तो ये गैप टू डेल्टा ओमेगा निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर। हाँ, तो ये गैप निकलेगा हमारा टू डेल्टा ओमेगा। बेटा इस गैप को बोलते हैं बैंडविड्थ, क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। तो इस बैंडविड्थ में सिग्नल आपको रिसीव होना शुरू हो जाता है, ये कहलाता है बैंडविड्थ। सो व्हाट इज क्यू फैक्टर, बेटा क्यू फैक्टर का फॉर्मूला नोट करो कॉपी में, हाँ यहाँ पे क्यू फैक्टर इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्यू फैक्टर, व्हाट इज क्यू फैक्टर इक्वल टू रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कितनी आई है, टू डेल्टा ओमेगा, नोट करिए। सो क्यू फैक्टर का फॉर्मूला है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ, रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ। रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर यूनिट बैंडविड्थ, ओके बच्चों, ये है अपना क्यू फैक्टर। यस। हाँ, सो व्हाट इज दिस, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस ऑफ द और द कैपेसिटेंस, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस। हाँ बेटा, क्यू फैक्टर का दूसरा फॉर्मूला लिखें बच्चों, किसका, इंडक्टर का सॉरी कॉइल का वोल्टेज, इंडक्टर का वोल्टेज अपॉन रेजिस्टिव वोल्टेज कह लो, या वी सी बाई वी आर, नोट करिए। हाँ, तो Q इक्वल टू वी एल बाई वी आर कह लो या वी सी बाई वी आर, नोट करें।
क्यू फैक्टर, वी एल बाई वी आर या वी सी बाई वी आर, वी एल बाई वी आर या वी सी बाई वी आर। आर्यन चार घंटे का काम है आज, चार घंटे नहीं तीन घंटे, चार लेक्चर इसके हैं, बैठ करके पूरा कंप्लीट कर लो चैप्टर, चार घंटे में पूरा हो जाएगा। Yes, sir. एक बार में वन शॉट में कंप्लीट कर लो, बनने लगेगा। सो क्यू इक्वल टू वी एल बाई वी आर कह लो या वी सी बाई वी आर कह लो, ठीक है। हाँ अब इसको सॉल्व करो। सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्यू इक्वल टू वी एल, वी एल क्या होता है बच्चों, कल बताया मैंने, आई इंटू एक्स एल, और वी आर क्या होता है, वोल्टेज रेजिस्टेंस का आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, क्या आ गया एक्स एल अपॉन आर। तो देखो अगला कितना आएगा, एक्स एल बाई आर आएगा, ये देखिए एक्स एल बाई आर। एक्स एल को क्या बोलते हैं अपन, ओमेगा एल, और ये सारा कार्यक्रम रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, तो लिख दो ओमेगा आर इंटू एल अपॉन आर। नोट करो तो क्यू की वैल्यू ओमेगा आर एल बाई आर। ओमेगा रेजोनेटिंग इंटू एल बाई आर, ठीक है बच्चों। सो क्यू इक्वल्स टू वन बाई, अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसकी क्वालिटी फैक्टर की, ओमेगा आर इंटू एल बाई आर, एंड क्वालिटी फैक्टर कैपेसिटर की मैं बात करता हूँ, तो वी सी बाई वी आर, वी सी बाई वी आर इक्वल टू वन बाई ओमेगा आर इंटू सी आर, वन बाई ओमेगा आर इंटू सी आर। ये कैसे आया बच्चों, देखो वी सी की वैल्यू क्या होती है बेटा, वी सी, वी सी मतलब होता है आई इंटू एक्स सी, और वी आर कितना होता है आई इंटू आर, आई से आई कैंसिल, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है वन अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा इंटू सी इंटू आर, और कौन सा ओमेगा रेजोनेटिंग वाला, नोट कर लो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके सो दिस इज, ये हमारा हो गया क्वालिटी फैक्टर। चलिए ठीक है, एक सेकंड बच्चों। हेलो श्रुति, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। ओके तो देखिए अब नेक्स्ट कर रहे हैं बच्चों, अगला है, अगला टॉपिक लिखिए कॉपी में, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट, पावर इन एसी सर्किट। तो पावर कैसे निकालते हैं, पावर निकालने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, पी इक्वल टू वी इनटू आई, इंस्टेंटेनियस पावर। ये वी इनटू आई कब लगता है बच्चों, ये लगता है इंस्टेंटेनियस पावर के केस में। ओके तो हम निकाल रहे हैं पावर इन एलसीआर सर्किट, तो डायरेक्टली हम लोग सीधे फॉर्मूले पे पहुंचेंगे। हाँ वोल्टेज क्या होती है, इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, टाइम के साथ बदलने वाली। करंट क्या होती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल्स टू ई इंटू आई। सो पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया आपने यहाँ पे वोल्टेज इंटू करंट, और सब कुछ सॉल्व करके, ये सॉल्व करने वाली प्रोसेस छोड़ो हट गई है, ऑब्जेक्टिव पेपर होना आप लोग को, सॉल्व करने से कोई मतलब नहीं हम लोग को बेटा। ये देखो कहाँ से स्टेप लिखोगे आप, पहला स्टेप क्या लिखेंगे पावर का, हाँ पावर इक्वल टू वोल्टेज है बेटा ई, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ई एम एफ है। करंट क्या लेनी है आपको, फेज़ एंगल फाई के साथ ले लो, क्योंकि कितना भी फेज़ एंगल वेरी हो सकता है, फाई इज़ द एंगल ऑफ फेज, और वोल्टेज और करंट को वेरी करके सीधे यहाँ पर आ जाओ, एवरेज पावर इक्वल टू ये, सीधे ये नोट करो। सो पी एवरेज इक्वल टू
ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू इंटू कॉस ऑफ फाई, ई नॉट बाई रूट टू आई नॉट बाई रूट टू कॉस फाई, दिस इज एवरेज पावर। ये हो गई हमारी एवरेज पावर। ओके, ये एवरेज पावर का फॉर्मूला नोट करिए। ई नॉट बाई रूट टू हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, ई आर एम एस। आई नॉट बाई रूट टू क्या पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। सो फॉर्मूला हुआ ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ये हमारा है एवरेज पावर का फॉर्मूला। कहिए डन। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। यस सर। ओके यस सर। हाँ जी। सो ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बच्चों इस फॉर्मूले से हम किसी भी मोमेंट पर अपने सर्किट की पावर निकाल सकते हैं कि हमारा सर्किट जो है, हमारा जो एसी सर्किट है वो किस रेट से पावर डिसिपेट कर रहा है, इसको हम निकाल सकते हैं। अब आइए हम इसके एप्लीकेशन देखते हैं। तो देखा हम लोगों ने एवरेज पावर कितनी निकाली, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। बट सर आपने यहाँ तो वी लगा दिया है, तो कोई डरने की बात नहीं बच्चों, उसी आर एम एस को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल। तो चाहे ई आर एम एस बोल दो या ई वर्चुअल बोल दो, बात बराबर है। और ये आई वर्चुअल। ओके, सो पी ए वी इक्वल टू ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई या ई वर्चुअल आई वर्चुअल कॉस फाई। अब चलिए बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं, हाँ अब पावर देखते हैं। तीन तरीके के सर्किट हैं हमारे पास, प्योरली रजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। तो प्योरली रजिस्टिव में एंगल ऑफ फेस कितने डिग्री होता है, जीरो डिग्री। तो पहले वाले में फाई की जगह जीरो रख दो तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन। तो पावर कितनी हो जाएगी, ई वी इंटू आई वी। नोट करिए, तो प्योरली एसी सर्किट के केस में पावर हो जाएगी ई वी इंटू आई वी। ई वी इंटू आई वी फर्स्ट केस में पावर हो गई ई वी इंटू आई वी। सेकेंड केस में सब लोग जानते हैं कि अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है तो वोल्टेज जो होता है करेंट से पाई बाई टू लीड करता है। वोल्टेज चलता है आगे, करेंट चलती है पीछे, तो पाई बाई टू एंगल लीड करेगा। तो यहाँ पे कॉस पाई बाई टू कर दो भाई। ओके, इंडक्टर में करेंट और वोल्टेज में पाई बाई टू का एंगल होता है, करेंट क्या करती है, लैग करती है, वोल्टेज लीड करता है। तो माइनस से कोई खास मतलब नहीं है, थीटा पाई बाई टू कर दो, आंसर जीरो। करंट लैग करती है यहाँ पे। ओके, तो करंट पीछे चलती है, तो करंट के यहाँ एक्चुअली हमने जो फाई माना था ना, अब आप कहोगे सर माइनस क्यों आ रहा है, ये देखो ये जो हमने फाई लिया था वो किसके रेफरेंस में लिया था, करंट के रेफरेंस में। तो करंट यहाँ पे पीछे चलती है तो वहाँ पे क्या आएगा, माइनस पाई बाई टू। यस, तो फाई की जगह माइनस पाई बाई टू। तो कॉस माइनस पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है, जीरो। तो मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी पावर डिसिपेट कितनी होती है, जीरो। बहुत मज़े की बात है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट सर्किट से कोई भी पावर नहीं लेगा, एवरेज पावर कितनी होगी, जीरो। जी हाँ, एवरेज पावर जो है वो होगी जीरो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में। अगला है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। और अगर आपके पास कैपेसिटिव सर्किट है और आपने लगा रखी है यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटिव सर्किट के साथ, तो भी पावर कितनी होगी, जीरो। क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में करंट चलती है आगे और वोल्टेज चलता है पीछे, दोनों के बीच में कितने का एंगल होता है, 90 डिग्री। तो अगेन पावर इक्वल टू जीरो। तो क्या सीखने को मिला जनता को, ये समझ में आया कि भैया इंडक्टेंस में और कैपेसिटेंस में कोई पावर ड्रॉप नहीं होता है, कोई पावर डिसिपेशन नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में एंगल ऑफ फेस जो होता है 90 डिग्री होता है। तो डायरेक्टली इस पर बनेगा न्यूमेरिकल कि एंगल ऑफ फेस कितना डिग्री होता है, आंसर 90 डिग्री। और पावर ड्रॉप कितनी होगी, जीरो। कहिए डन, समझ में आ गया सबको कि नहीं आया। यस सर। ओके, चलिए अब देखते हैं बच्चों इसका लास्ट टॉपिक ही समझ लीजिए। अगला टॉपिक लिखिए वॉटलेस करंट और आइडल करंट, वॉटलेस करंट या आइडल करंट।
बच्चों अभी आपने देखा हमारे पास ईएमएफ क्या था, हमारे पास ईएमएफ था ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट क्या मानी हमने, हमने करंट मानी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मतलब यदि मैं देखूं इसको थोड़ा इस तरीके से, अगर मैं ये वोल्टेज का फेज़र बनाऊं ओमेगा टी पर, तो मेरा करंट का फेज़र सम वॉट ये जा रहा है, किस एंगल पे, ओमेगा टी प्लस फाई पे, ये मेरा करंट का फेज़र है। मतलब ये करंट वेक्टर के जैसे काम करेगा और ये वोल्टेज वेक्टर के जैसे काम करेगा, है ना, क्योंकि करंट का जो डांस है वो फाई एंगल आगे है। तो आइए देखते हैं, ये है मेरे पास करंट और ये है मेरे पास वोल्टेज, और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, फाई। ये देखिए ये एंगल है फाई, वोल्टेज और करंट का एंगल है फाई। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर। हाँ yes. अब आर्यन देखो बेटा, मैं इस करंट के एंगल को करंट के दो कंपोनेंट तोड़ता हूँ, एक वोल्टेज की डायरेक्शन में और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो एक मेरा टूटेगा आई वी कॉस फाई और एक टूटेगा आई वी साइन फाई। यस, तो देखिए एक मैंने तोड़ा वोल्टेज की डायरेक्शन में, करंट का कंपोनेंट जो है एक मेरा टूट गया, ये रेड कलर का कंपोनेंट, तो क्या बना, आई आर एम एस कॉस फाई, मतलब वर्चुअल कंपोनेंट का कॉस, वर्चुअल करंट का कॉस कंपोनेंट, और एक टूटेगा 90 डिग्री पर आई वी साइन फाई। बोलो यस और नो। तो सर जरूरी है कि उसी के डायरेक्शन में तोड़े सर? भैया अगर हम तोड़ने वाले तो हम ही है ना, और ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर आर है और उसको हम दूसरे वेक्टर के ऊपर तोड़ना चाहते हैं थीटा एंगल में, तो वो टूटता है आर कॉस थीटा। तो यहाँ जानबूझ करके हम तोड़ रहे हैं वोल्टेज के साथ, एक वोल्टेज के ऊपर और एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर। बोलो यस और नो। करंट के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, एक वोल्टेज की डायरेक्शन में, एक वोल्टेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यस और नो। उससे प्रॉफिट क्या मिलेगा? इससे प्रॉफिट ये मिलेगा, तुम ये बताओ, जैसे ये अपने पास ईएमएफ जा रहा है, अब जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट टूटेगा, ये बताओ बेटा उसका वोल्टेज के साथ एंगल कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री परपेंडिकुलर कंपोनेंट का। तो अगर मैं करंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ईएमएफ का के साथ एंगल ऑफ फेस कितने डिग्री बना, 90 डिग्री। अगर मैं इसकी पावर निकालूंगा इस कंपोनेंट की, इस करंट की जो परपेंडिकुलर है, बताओ कितनी पावर डिपॉजिट करेगी सर्किट में, कितनी पावर शेयर करेगी सर्किट में? ये साइन थीटा ना सर, आई वी साइन थीटा। नहीं, हाँ वो तो करंट है ना, आई वी साइन फाई करंट है। तो फिलहाल तो ये, फिलहाल तो ये आई वी साइन फाई करंट है, मान गया आई वी साइन फाई जो है वो करंट है, मगर अब ये जो करंट है ये पावर कितनी डिलीवर करेगी सर्किट में? आई वी कॉस फाई नहीं करेगी, वो तो करंट है, वो तो करंट ऊपर जा रही है। अरे पावर का फॉर्मूला अभी तो बताया मैंने, एवरेज पावर इक्वल टू ये देखो ई वर्चुअल है ना, ई वर्चुअल आई ई वर्चुअल करंट अपने पास कौन सी है, ये है आई वी साइन फाई। बोलो हाँ है, यस सर। और इनटू कॉस फाई। अब ये बताओ इस कंपोनेंट का इस कंपोनेंट के बीच का एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 करने से सब कुछ कितना हो गया? हाँ, मतलब ये जो करंट का कंपोनेंट है सर्किट में किसी भी प्रकार की पावर को डिसिपेट नहीं कराएगा। पावर को कहते हैं वॉट और नहीं को बोलते हैं लेस, इसलिए दैट्स व्हाई दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो इसको बोलते हैं वॉटलेस करंट। समझ में आया? हाँ सर। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो हंशिका क्लियर कि नॉट क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, तो ये देखिए कंपोनेंट दो बने इसके, एक बना आई वी कॉस फाई, दूसरा बना आई वी साइन फाई। अगर मैं दोनों के कंपोनेंट देखूं तो वोल्टेज है पी ई वी इंटू आई वी साइन फाई, दोनों का एंगल 90, आंसर इक्वल टू 0। पढ़ो हंशिका। द कंपोनेंट आई वर्चुअल कॉस फाई जनरेट्स पावर विद ई वर्चुअल। However, the component I virtual sin phi does not contribute to power along E virtual and hence power generated is zero. This component of current is called wattless or idle current. Exactly. P is equal to E virtual I virtual sin phi cos 90 is equal to zero.
बिल्कुल सही। तो बच्चों ये जो है आपका, ये कहलाएगा आपका वॉटलेस करंट, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से आपने देखा, बड़े मज़े से देखा कि इंडक्टर और कैपेसिटर में किसी भी प्रकार की पावर डिसिपेट नहीं होती है। यस, सो नोट, श्रुति पढ़ो नोट। पावर एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड हेंस दे फाइंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इन डिवाइसेस यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट। हाँ, तो इतने बढ़िया एलिमेंट है भाई, ये लोग पावर ही नहीं खाते हैं, कितनी ज़बरदस्त बात है। और इसके कारण इनका हम बहुत धूमधाम से यूज़ करते हैं एसी सर्किट के लिए। बट याद रखिएगा कि एसी जो होता है एक्ससी इक्वल टू होता है, सॉरी डीसी जो होता है, डीसी में जो इन कैपेसिटर फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। एक बार फिर से याद दिला दूं तो एक्स इक्वल टू कितना होता है, वन अपॉन ओमेगा सी। तो ओमेगा की वैल्यू अगर आप जीरो रखेंगे तो वन अपॉन जीरो हो जाएगा, मतलब इन्फिनिटी। मतलब डीसी के लिए जो कैपेसिटर होता है वो कितना रेजिस्टेंस देता है, इन्फिनाइट। और यही कारण है कि डीसी में कैपेसिटर ओपन हो जाता है। यस, ओपन हो जाएगा और ये कुछ नहीं करेगा, दिस वुड बी ओपन, ओपन सर्किट। चलिए ये हो गई बात। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट है एलसी ऑसिलेशन। तो एलसी ऑसिलेशंस मेरे ख्याल से यार सिलेबस से रिमूव किए गए हैं, एलसी ऑसिलेशंस जो हैं। एक मिनट और देख लूं जरा मैं एलसी ऑसिलेशंस। चलिए देखते हैं, देख लेते हैं, कुछ खास कठिन नहीं है, इजी है। एलसी ऑसिलेशन, एलसी सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी जो होती है वो इंडक्टर से कैपेसिटर में शिफ्ट होती है, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर में शिफ्ट होती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, एनर्जी का वाइब्रेशन होता है और ये कहलाता है एलसी ऑसिलेशन। एल का मतलब इसमें एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है। देखिए कैसे काम करता है, इसमें एनर्जी क्या होगी, वाइब्रेट होगी एनर्जी, यहाँ से यहाँ जाएगी, पहले कैपेसिटर में रहेगी फिर इंडक्टर में रहेगी। तो मान लीजिए आपने चार्ज कर दिया कैपेसिटर, एक कैपेसिटर को चार्ज करके आपने यहाँ पे लगा दिया। अब जैसे ही कैपेसिटर को चार्ज करके आपने यहाँ लगा के छोड़ा, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जिंदाबाद, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड धूमधाम, और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी। आप लोग को याद होना चाहिए, मैंने लास्ट चैप्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कराई है, लिख लीजिए फॉर्मूला यू बी, मैग्नेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होती है इंडक्टर के अंदर हाफ एल आई स्क्वायर, याद कर लीजिए। यस, ये मैग्नेटिक एनर्जी, भूल गए हैं तो नोट कर लीजिए, हाफ एल आई स्क्वायर। और कैपेसिटर की एनर्जी कितनी होती है बच्चों, कैपेसिटर की एनर्जी यू सी, ओके ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, यू ई इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, ये होती है। तो चलो भाई देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज था, अब ये प्लस है ये माइनस है, कैपेसिटर खुद से करंट भेजना शुरू कर देगा अपने अगले चक्कर में, प्लस से माइनस की तरफ करंट भेजेगा और इसको क्या करेगा, मैग्नेटाइज करेगा, मतलब इसको चार्ज करेगा। अब ये मैग्नेटाइज हो गया, पहले बेचारे के पास कोई फ्लक्स नहीं था, अब इसके पास दो फ्लक्स आ गए, मतलब ये हो गया आधा और ये भी हो गया आधा। तो इसकी एनर्जी कितनी हो गई, जस्ट हाफ। तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी यू ई इक्वल टू यू वी, मतलब जितनी एनर्जी मेरे पास उतनी एनर्जी तुम्हारे पास। तो एट टी इक्वल टू टी बाई एट, टी इक्वल टू टी बाई एट मतलब टोटल टाइम के आठवें हिस्से में एनर्जी ये वाली और ये वाली बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। टाइम का हिस्सा देखने के लिए ग्राफ मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये ग्राफ है एसी का, यस ये ग्राफ है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, मैं आपको ये जो पिक्चर दिखा रहा हूँ पूरी, वो एक्चुअली यहाँ से लेकर के पूरी यहाँ तक की है, ये ओके। अब यहाँ तक का टाइम जीरो से लेकर टी है, तो आधा टाइम कितना होगा भाई, टी बाई टू। यहाँ तक का टाइम कितना होगा, टी बाई फोर। तो यहाँ तक का टाइम टी बाई फोर, वन फोर्थ, टू फोर्थ, ये थ्री फोर्थ, थ्री टी बाई फोर, और ये फोर्थ फोर्थ, यानी कि फुल टाइम, यस पूरा हो गया। अब t बाई एट देखना है तो कहाँ आएगा बेटा, ये आएगा t बाई फोर का भी आधा, t बाई एट, ओके। और t बाई एट के बाद ये हो गया, t बाई फोर को क्या लिख सकते हो, 2t टी बाई एट, थोड़ी सी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए बच्चे, 2t टी बाई एट, तो ये हो गया t बाई फोर। फिर यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 3t टी बाई एट, और यहाँ पर आ गया 4t टी बाई एट, जिसको हम बोलते हैं t बाई टू,
टू बार टी बाई टू। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा 5t/8, यहाँ पर आएगा 60t/8, यहाँ पर आएगा 70t/8 और लास्ट है यहाँ पर 8t/8। तो इस तरीके से एक पूरे साइकिल में एनर्जी का आदान प्रदान होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही क्या भाई? सही आ रही बताओ बच्चों, क्लियर नहीं आ रही क्या? सही आ रही है। यार आ रही है नहीं, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट होके जुड़ जाओ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? हाफ हो गया, और ये मैग्नेटाइज हो गया है ना। अब क्या होगा? अब ये और ज़्यादा खाली हो जाएगा, यहाँ से कैपेसिटर अभी भी करंट जा रही है। तो देखिए अगले केस में देखिए कहाँ तक आने पर, यहाँ तक आने पर। अभी कहाँ पे हम t/8 पे थे, जैसे यहाँ पर पहुँचोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर हो गई जीरो और मैग्नेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। तो देखिए 2t/8 मतलब t/4, 2t/8 मतलब t/4 पर इलेक्ट्रिक एनर्जी जीरो, मैग्नेटिक मैक्सिमम। अब इसके बाद ये जिम्मेदारी संभालेगा, ये जिम्मेदारी संभालेगा और इसको चार्ज करना शुरू करेगा कैपेसिटर को। तो अब यहाँ से देखिए एनर्जी खर्च होना शुरू होगी। अब यहाँ पे मिटाना पड़ेगा मुझे, मैं मिटा रहा हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे इसने जिम्मेदारी संभाली और इसने करंट फ्लो करना शुरू। तो बेचारा पहले जो कैपेसिटर उसको चार्ज कर रहा था, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, भिखारी हो गया। अब ये कैपेसिटर को चार्ज करेगा, तो ये करंट गई प्लस से लेके माइनस, ये आधा चार्ज हो गया, तो आधे पे ये आ जाएगा, आधे पे आ जाएगा। देखिए तो आधे पे आ गया अपना कैपेसिटर और आधे पे आ गया इंडक्टर, दोनों की एनर्जी बराबर। देन इसके बाद कैपेसिटर फुल हो गया और ये खाली हो गया, ये देखिए ये खाली हो गया और ये फुल हो गया। अब साइकिल चेंज हो जाएगा, ये कहाँ तक आ गए हम लोग? 4t/8 मतलब t/2। तो यदि मैं डायग्राम से बनाऊँ इसको, 4t/8 मतलब t/2 पे आ गए हम लोग, t/2 पे आ गए, मतलब हम यहाँ तक आ चुके हैं t/2 तक। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? उल्टे डायरेक्शन में। तो अब करंट उल्टे डायरेक्शन में फ्लो होगी और ये वापस इसको चार्ज करना शुरू करेगा। तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा 5t/8 में। फिर अभी भी चार्ज करता रहेगा, ये हो गया, ये देखिए ये फुल चार्ज हो गया और ये जीरो पे आ गया, मतलब मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इलेक्ट्रिक एनर्जी मिनिमम। एंड देन इसके बाद, फिर इसके बाद देखिए जब ये कैपेसिटर खाली हो गया तो लास्ट में आ कर के 70t/8 में ये फिर से इसको चार्ज करेगा, मतलब करंट ये वाला बन जाएगा पोलैरिटी प्लस और ये पोलैरिटी माइनस, और ये साइकिल कंप्लीट। देखिए टाइम टी पीरियड हो गया है तो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। कौन? इंडक्टर। चले कहाँ से थे? यहीं से। और पहुँच कहाँ पे गए? यहाँ पे पहुँच गए। मगर इन सब के बीच में हुआ क्या है? इन सब के बीच में जो एनर्जी है, जो चार्ज है, चार्ज एक बार गया है, एनर्जी एक बार शिफ्ट हुई है कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, और एक बार एनर्जी शिफ्ट हुई है इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। मतलब यहाँ पर एनर्जी जो है वाइब्रेट कर रही है, एनर्जी जो है कैपेसिटर से लेके इंडक्टर के बीच में वाइब्रेट कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग LC ऑसिलेशन। ये कहलाती है डिवाइस LC ऑसिलेशन। अगर ऑसिलेशन में इस तरीके का वाइब्रेशन हो तो इसको बोलते हैं अनडैम्ड, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चार्ज आ रहा है एग्जैक्टली उतना ही आ रहा है, Q0 प्लस और Q0 माइनस, मतलब यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। बट यदि लॉस ऐसा होता जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं डैम्ड। बस ये डायग्राम का इंट्रोडक्शन जरूरी है और कुछ नहीं। तो सच ऑसिलेशंस आर कॉल्ड डैम्ड ऑसिलेशंस एंड इनडैम्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो बस इतना ही है। ये आपका बस यहाँ पर आपका AC चैप्टर फिनिश होता है, और नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आएगा वो है बच्चों, लास्ट थोड़ा सा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर। तो इसको हम अगली क्लास में क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ, मुझे ये बताइए जाते जाते कि ये समझ में आया आपको कि नहीं आया? LC ऑसिलेशन, एनर्जी बस चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड में, आठ चरणों में, आठ स्टेप में।
सबसे पहले कौन धनवान था? कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर ने खर्च किया, इंडक्टर हो गया धनवान, कैपेसिटर हो गया भिखारी। फिर इंडक्टर ने मोर्चा संभाला, उसने कैपेसिटर को बेचारे को बड़ा किया, उसको पाला पोसा, उसकी एनर्जी बढ़ाई, फिर इंडक्टर भी बेकार हो गया। फाइनली आते आते घूम फिर के हम वहीं तक आ गए हैं। बस एनर्जी देखिए, एनर्जी पहले यूई की मैक्सिमम थी, यूबी मिनिमम, फिर यूई कम हुआ, यूबी बढ़ा, फिर यूबी मैक्सिमम हो गया, यूई, यूई मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, बी मतलब मैग्नेटिक एनर्जी। एक बार डायग्राम देख लीजिए, बोलिए क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहीं तक इस क्लास को करते हैं कंप्लीट। ओके बच्चों क्लियर है? यस। ठीक है, यहीं तक इस क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल अपन पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, कल क्लास जहां तक होगी, ठीक ना, तो कल हम लोग करेंगे ट्रांसफार्मर, और मोटर तो पुराना हिसाब किताब है। चलिए थैंक यू बच्चों, बाय बाय। सर आपको चैप्टर 1 के मतलब डेली करूं वो भेजना है या मतलब